उधर उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करने और गाड़ियों में हूटर लगाकर सड़कों पर हुड़दंग कर आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर और हूटर लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उनके इस आदेश के बाद कई जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारी सड़कों पर उतर आए और गाड़ी में हूटर लगाकर हुड़दंग करने वालों और कार पर बत्ती लगाकर भौकाल बनाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियों में हूटर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। एक तस्वीर में पुलिस के अधिकारी एक कार से हूटर निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसके अलावा पुलिस ने कार पर पार्टी के झंडे और शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर भी जुर्माना लगाया। सिर्फ सोनभद्र नहीं बल्कि आगरा, इटावा और फिरोजाबाद समेत कई दूसरे शहरों में भी पुलिस ने हूटर लगाकर हुड़दंग करने वालों पर एक्शन लिया। दर्जनों गाड़ियों के चालान काटे गए और कई गाड़ियों को सीज कर लिया गया। दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वीआईपी कल्चर खत्म करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने हूटर और बत्ती लगाकर धौंस जमाने वालों के खिलाफ सख्ती का आदेश दिया था। उनके इस आदेश के बाद पूरे राज्य में हूटर और बत्ती लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में कार से लाल और नीली बत्ती लगाकर चल रहे एक नायब तहसीलदार का चालान काट दिया गया। पहले ट्रैफिक पुलिस ने पीछा कर उनकी गाड़ी रुकवाई, फिर चालान काटने के साथ उसी वक्त कार पर लगी बत्तियां भी हटवा दी। यानी नायब तहसीलदार को वीआईपी कल्चर नहीं छोड़ना और अपनी निजी कार पर लाल और नीली बत्ती लगाकर चलना महंगा पड़ गया। नायब तहसीलदार का नाम मोहम्मद अरसलान रशीद बताया गया, जो बहराइच के मिहपुरवा तहसील में तैनात है। जानकारी के मुताबिक वो रात में अपनी पत्नी के साथ बहराइच से बलरामपुर जा रहे थे। उनकी निजी कार पर लाल और नीली बत्ती लगी हुई थी। इसका पता चलते ही ट्रैफिक पुलिस ने पहले उनकी कार का पीछा करना शुरू किया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ओवरटेक कर गाड़ी रुकवाई। पूछताछ के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का हवाला देकर नायब तहसीलदार का चालान काट दिया। रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में खड़े हैं आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी में हाईकोर्ट नहीं, हाईकोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं, नहीं उतारिए इसको तत्काल। नायब तहसीलदार अरसलान रशीद ट्रैफिक इंस्पेक्टर के सामने अपनी गलती मानते भी नजर आए, लेकिन इसके बाद भी नियमों का हवाला देकर पहले 2,500 रुपए का चालान काटा गया और उसी वक्त गाड़ी पर लगी नीली और लाल बत्ती उतरवा दी गई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। सौभाग्य की बात यह कि किस टाइप का शौक है इन लोगों का हूटर लगाने का। बहुत सही किया जा रहा है ऐसे लोगों के साथ चालान काटकर। किस बात के वीआईपी? आप गाड़ी में बत्ती लगाकर और हूटर बजाकर क्यों चलोगे? आप पुलिस हो जो आपको किसी घटनास्थल पर जल्दी पहुंचना है, जो आपके लिए रास्ता छोड़े। आप एम्बुलेंस हो, मरीज ले जा रहे हो आप अस्पताल, खुद ही दिमागी मरीज लग रहे हो आप। आप फायर इंजन हो क्या? कहां आग लगी है जो बुझाने जा रहे हो? फालतू का भौकाल बनाने की आदत पड़ गई इन लोगों को और कुछ नहीं। इनको लगता है कि अब ये वीआईपी हो गए तो बाकी पब्लिक इनके लिए रास्ता छोड़े। क्यों छोड़े आपके लिए रास्ता? ये लोकतंत्र है, आपका रजवाड़ा नहीं है। आपको क्रॉसिंग पर कोई रोके नहीं, आपसे कोई टोल ना ले, आपसे कोई पार्किंग के पैसे ना ले। और वैसे कहते हो कि आप जनता के सेवक हो और चाहते हो कि जनता आपसे डरे। अरे आपको डरना है जनता से, जनता को आपसे नहीं डरना है। सही हो रहा है ऐसे भौकाल टाइट करने वालों की अगर ढिबरी टाइट की जा रही है? ये लोग सोचते हैं कि सड़कें इनकी संपत्ति और बाकी पब्लिक तो जैसे इनके आंगन में घुसाई है। पद के साथ दहेज में नहीं मिली ये सड़कें आपको। किसी की प्रॉपर्टी है तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है ये, और आप हो जनता के सेवक। सेवक का मतलब समझते हो ना? इनको लगता है सब लोगों के साथ चलेंगे तो फायदा क्या हुआ पद मिलने का? अपने पद के पग समझते हैं ये गाड़ी की बत्ती और हूटर को। पूरे इलाके में टू टू करते फिरते हैं हूटर और बत्ती लगाकर। ये तो ये इनके घर वाले भी लाल नीली बत्तियां लगाकर और हूटर बजाकर चलते हैं गाड़ियों पर। और किस लिए? ताकि लोग हट जाएं, रास्ता खाली करें, सिपाही रुककर इनको सलाम करें, किसी की गाड़ी ठोक दें तो वो डर के कुछ ना बोले क्योंकि पता नहीं कौन से वीआईपी हों, लेने के देने ना पड़ जाएं। बस भौकाल बना रहे इनका। अरे इनको इतना ही शौक है ना तो इनके चालान मत काटो, इनकी बत्ती गाड़ी से निकालकर इनके सर पे लगा दो। घूमे पूरे शहर में दमकल बने हुए, टू टू करते हुए अपने मुंह से, बेवजह का भौकाल बनाने वालों का जोकर बना दो। पब्लिक को डराते फिरते हैं, ये खुद तो डरे थोड़ा सा। ये बत्ती और हूटर के चालान काटने का अभियान थोड़े दिनों का नहीं होना चाहिए, यह सख्ती जारी रहनी चाहिए। पहले भी अभियान चल चुके, लेकिन यह वीआईपी बनने की बीमारी फिर थोड़े दिन शांत रहने के बाद सर उठा लेती है। इस बार यह हूटर और बत्ती तब तक उतारते रहिए जब तक इनका भौकाल वाला भूत न उतर जाए।
सौ बात की एक बात। उधर तेलंगाना में एक कांग्रेस विधायक की बकरीद पर शुभकामना देने वाली पोस्ट विवादों में आ गई।